समय की शक्तियों मेरी मदद करो, समय की शक्तियों मेरी मदद करो। कोई मुझे बुला रहा है, कौन हो तुम? मेरे सामने आओ, कौन हो तुम? फोन तुम यहां क्या कर रही हो? सोनल कहां है? सोनल घुंगरू, ये सब सोनल मेरी सोनल को ले जा रहे। वीरेन संभाल अपने आप को। मैं जानता हूं कि जो भी कुछ हुआ ठीक नहीं हुआ, तो संभाल अपने आप को, सब ठीक हो जाएगा। कैसे ठीक हो जाएगा? मैं सोनल से कितना प्यार करता था, मेरी सोनल चली गई आज। इस घर में दो ही लोग, एक सोनल सलगांवकर की लाश और दूसरी आप। आप यहां क्या कर रही थी? मुझे नहीं पता। क्या मिसेस बिलिमोरिया, आप मेरे किसी भी सवाल का जवाब नहीं दे पाते। केडी, ये लो जी, दवे आ गया। माय इंटेलिजेंट पुलिस ऑफिसर फ्रेंड, आओ बैठो दवे। सुनो दवे, एक सवाल है तुम्हारे लिए। तुम्हारे जैसा एक आदमी था जो रोज नाश्ते में अंडे खाता था, लेकिन उसके पास न मुर्गी थी, न उसके पास अंडे खरीदने के पैसे थे, न वो अंडे चोरी करता था, न उसे कोई अंडे गिफ्ट में देता था, तो वो कैसे रोज अंडे खाता था बताओ? ना मुर्गी है ना पैसा है। नहीं तो फिर रोज रोज अंडा रोज खाता था, बोलो कैसे? कैसा? मिसेस बिलिमोरा, सोचो ना, जरा सोच के आगे सोचो, थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। केडी, बॉक्स से बाहर आओ, तुम्हारे लिए एक नया केस है। रियली?
कैसा केस? ऊर्जा सेठ पेज 3 के मशहूर चुड़ैल। ऊर्जा सेठ चुड़ैल नहीं है दवे, द राइट वर्ड इज साइकिक, जो प्रेतों से बात करके दूसरे लोगों का भविष्य बताती है। साइकिक समय की शक्तियों मेरी मदद करो, समय की शक्तियां मेरी मदद करो। कहिए कहिए। केडी पाठक, केडी पाठक आपका वकील, आपका वकील। लेकिन मैं समझा नहीं ऊर्जा जी कि रात के 3 बजे आप सोनल सलगांवकर के घर पहुंची कैसे? उसने खुद मुझे वहां बुलाया था। कब? I mean, obviously, मरने से पहले। मरने के बाद उसकी आत्मा मुझे उसके शरीर तक ले गई थी। Really? घबराइए मत केटी, मुझे कुछ नहीं होगा। तुम्हारी मदद से मैं ये केस जीतने वाली हूं। भविष्य की आत्माएं मुझे ये बता रही है। राइट योर ऑनर, 2 जुलाई रात के 3 बजे जब एड फिल्म मेकर बीरेन सलगांवकर घर लौटे तो उन्होंने घर के फर्श पर अपनी पत्नी सोनल सलगांवकर की लाश पाई और उस लाश के करीब फेमस साइकिक तांत्रिका ऊर्जा सेठ, चेहरे पर खौफ और फर्श पर ये मर्डर वेपन, ये गन जो ऊर्जा की है और इस पर सिर्फ ऊर्जा की उंगलियों के निशान हैं। बंगले के बाहर ऊर्जा की गाड़ी MH02 KS3930 पार्क थी और बंगले के मेन डोर का ताला टूटा नहीं था, यानी कि सोनल ने दरवाजा खोलकर खूनी को अंदर आने दिया था क्योंकि सोनल खूनी को जानती थी। तो मिस ऊर्जा सेठ, क्या आप सोनल सलगांवकर को जानती थी? 3 हफ्ते पहले सोनल मेरे पास मदद के लिए आई थी, उसे अपनी मरी हुई माँ से बात करनी थी। ने उसकी मां की आत्मा को बुलाया? मैं आत्माओं को बुलाती हूं और कभी कभी आत्माएं मुझे बुलाती हैं। अगर आपने वाकई सोनल को उसकी मां से मिलवाया था तो उसके मरने से 6 दिन पहले उसने आपके घर पर आके ऐसा हंगामा क्यों किया कि उसे निकालने के लिए आपको पुलिस को बुलाना पड़ा? सोनल के पास उसकी माँ की निशानी थी, एक पुश्तैनी हीरों का हार। उसकी माँ की रूह को बुलाने के लिए मुझे उन्हें उस हार का लालच देना पड़ा था। और क्या हुआ उस हार को? उसकी माँ की रूह उस हार को लेकर चली गई। सोनल रोज मुझे उस हार के लिए धमकी दिया करती थी। 1.25 करोड़ का हार माँ की रूह ले गई? पता था मुझे, यकीन नहीं होगा आपको हमारी बात पर। मुझे बस एक बात का यकीन है मिस ऊर्जा, कि उस हार को लेकर आपके और सोनल के बीच में गहरा झगड़ा हुआ था और सोनल ने आपको मीडिया में एक्सपोज करने की धमकी भी दी थी। इसीलिए सोनल से छुटकारा पाने के लिए और वो 1.25 करोड़ का हार ऐंठने के लिए आपने सोनल का मर्डर किया। ऑब्जेक्शन योर ऑनर, प्रोसिक्यूशन महज अपने अनुमान के बलबूते पर मेरे मुवक्किल पर इल्जाम नहीं लगा सकती। सस्टेंड। तो मिस ऊर्जा, रात के 3 बजे आप अपनी क्लाइंट सोनल के घर पर क्या कर रही थी? मैं वहां गई नहीं थी, मुझे ले जाया गया था। सोनल की रूह मुझे वहां लेकर गई थी। ऑर्डर ऑर्डर। ये आप क्या कह रही हैं मिसेस सेठ? मैं आत्माओं से बात करती हूँ और वो मुझसे। अक्सर दूसरी दुनिया से आत्माएं अपनों को संदेश देने के लिए मेरे पास आती हैं, मुझ में समा जाती हैं।
मैं एक दूसरी दुनिया में चली जाती हूँ, फिर मुझे होश नहीं होता है, और जब होश आता है तो मुझे पता नहीं होता है कि मैं कहाँ हूँ। तो सोनल की आत्मा आपको वहां बेहोशी में लेकर आई? जी हाँ, ताकि मैं उसके घर वालों को बता सकूं कि किसी ने बड़ी बेरहमी से उनका खून कर दिया। ऑर्डर ऑर्डर। सोनल की आत्मा क्या आपको वहां बाय कार लेकर आई थी? आप वहां खुद आई थी मिस ऊर्जा, खुद गाड़ी चलाकर। योर ऑनर, सलगांवकर बंगला अल्टामाउंट रोड के वीआईपी जोन में आता है। वहां के मेन सिग्नल्स के पास सिक्योरिटी कैमरास हैं। उस रात 10:40 पर सिक्योरिटी कैमरा से ली गई ये तस्वीर मैं अदालत को दिखाना चाहूंगी। कार में कोई और दिखाई नहीं दे रहा है, आप अकेली हो? हो सकता है कि सोनल की आत्मा मुझ में समा गई हो। मैं होश में नहीं थी, लेकिन सोनल तो होश में थी। वही गाड़ी चला रही थी, वही मुझे वहां पर लेकर गई होगी। आधे सेकंड के लिए आपकी इस फैंटेसी को मान भी लिया जाए तो भी इट्स इम्पॉसिबल मिस ऊर्जा, क्योंकि मिस सोनल सलगांवकर को जब जीते जी गाड़ी चलानी नहीं आती थी तो मरने के बाद तो ऑर्डर ऑर्डर। अपनी ये फालतू थ्योरीज अपने टीवी शो के लिए बचा कर रखिए, ये अदालत है। मैं ढोंगी नहीं हूँ, मैं मरे हुए को देख सकती हूँ। आप चाहे तो मुझे आजमा लीजिए। ठीक है, सोनल के किचन के सिंक से पुलिस को ये दो टी कप्स मिले, इनमें ग्रीन टी पी गई थी। इनमें से एक कप पर लिपस्टिक का निशान है जो सोनल का है, और दूसरे कप पर भी लिपस्टिक का निशान है जो आपका है। ऑर्डर ऑर्डर। इसका मतलब क्या हुआ कि आपने और सोनल की आत्मा ने मिलकर चाय पी थी? झूठ बोल रही हैं आप। जाहिर है सोनल ने आपको घर बुलाया, आपके लिए चाय बनाई, और फिर आपने उसका कत्ल कर दिया। नॉट सो फास्ट प्रोसिक्यूटर साहब, ये ऊर्जा का कप और मेरा एक छोटा सा सवाल, आप राइट हैंडेड हैं या लेफ्ट हैंडेड? राइट हैंडेड। तो जाहिर सी बात है कि आप चाय का कप राइट हैंड से उठाती होंगी, लेफ्ट हैंड से नहीं। राइट। तो फिर मैं सोच रहा हूँ कि लिपस्टिक का ये जो निशान है ये उस तरफ क्यों है? अगर आपने कप इस तरफ उठाया तो फोटो के निशान तो यहाँ होने चाहिए, क्योंकि मैंने किसी को नहीं देखा जो इस तरह चाय पीता। ये कैसे मुमकिन है? योर ऑनर, जाहिर सी बात है कि ऊर्जा जी की बेहोशी में किसी ने ये कप उनके होंठों तक लगाया है, लेकिन गलती से, गलत साइड पर, क्योंकि लेफ्ट हैंड का इस्तेमाल किया गया है। हो सकता है ऊर्जा ने अपने लेफ्ट हैंड से चाय पी हो। बिल्कुल हो सकता है। ये भी हो सकता है कि खून ऊर्जा ने नहीं, किसी और ने किया हो। और यही साबित करने के लिए और ऑनर, मैं अपने पहले गवाह मिस्टर बीरेन सलगांवकर को कटघरे में बुलाने की इजाजत चाहता हूँ। इजाजत? मिस्टर बीरेन सलगांवकर, आपकी पत्नी के दुखद निधन का शोक है हमें। आप एड फिल्म्स बनाते हैं, राइट? जी। मिस्टर सलगांवकर, ये बताइए कि उस रात को, सॉरी सवाल थोड़ा सा पर्सनल है लेकिन पूछना पड़ेगा, उस रात बड़ी देर से आप घर लौटे थे, तकरीबन रात के 3 बजे, क्यों, कारण? जी वो दरअसल मैं अगले 2 दिन तक घर आने नहीं वाला था, अलीबाग में एक एड फिल्म शूट कर रहा था, पर अचानक रात के 1 बजे के करीब सोनल का मैसेज आया कि घर जल्दी आ जाओ, कोई प्रॉब्लम है। मैंने उसे इमीडिएटली फोन किया, इनफैक्ट कई बार ही फोन किया, पर उसका फोन स्विच ऑफ था। मैं काफी घबरा गया था और अपनी शूटिंग छोड़कर घर वापस आ गया। जब मैं घर पहुंचा तो ऊर्जा को वहां पाया। मिस्टर सलगांवकर, वो एसएमएस जिसका जिक्र आप कर रहे थे,
जो आपकी पत्नी ने आपको भेजा था वो है आपके फोन में? जी जी बिल्कुल, मैं आपको दिखा सकता हूँ, ये देखिए। जल्दी से घर आ जाइए, समस्या है। मिस्टर सलगांवकर, और भी कुछ SMS हैं आपकी पत्नी के? इफ यू डोंट माइंड जरा मैं देख लूं। थैंक यू। प्लीज ईट ऑन टाइम, कॉल मी व्हेन यू हैव द टाइम, डू नॉट फॉरगेट टू विश आंटी ऑन हर बर्थडे। मिस्टर सलगांवकर, आपकी पत्नी के भेजे हुए सारे मैसेजेस अंग्रेजी में है, वो अक्सर आपको अंग्रेजी में मैसेज भेजा करती थी या हिंदी में? ऑफ कोर्स इंग्लिश में। तो ये इकलौता मैसेज शुद्ध हिंदी में? पता नहीं, वैसे मुझे भी ये थोड़ा ऑड सा लगा। ऑड है मिस्टर सलगांवकर, क्योंकि योर ऑनर, ये SMS इन्हें इनकी पत्नी ने नहीं किसी और ने भेजा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार योर ऑनर, मिसेस सलगांवकर की मौत 11 और 11:15 के बीच में हुई, जबकि ये SMS 11:35 पर भेजा गया, यानी कि उनके मौत के 20 मिनट बाद। ये SMS आपको किसी और ने भेजा है मिस्टर सलगांवकर, ताकि आप घर जाएं और वहां ऊर्जा जी को पाएं। ऑर्डर ऑर्डर। मिस्टर सलगांवकर, क्या आप किसी ऐसे शख्स को जानते हैं जो आपके करीब हो, जिसे हिंदी में SMS भेजने की आदत हो? मैं तो सिर्फ छज्जू महाराज को जानता हूं। योर ऑनर, छज्जू महाराज मिसेस सोनल सलगांवकर के नित्य गुरु हैं। मौत के बाद मिसेस सलगांवकर अपने कथक के पोशाक में पाई गई, और उनके पैरों पर जो घुंघरू बंधे थे वो इंसिडेंटली टूटे हुए थे। क्या हमारी जानकारी सही है छज्जू महाराज जी? जी श्रीमान। तो क्या अक्सर आप सोनल जी के घर जाया करते थे उन्हें नृत्य सिखाने? नहीं, वो उस दिन, मतलब उस सुबह जब सोनल मेरे विद्यालय नहीं आई, तो मैं विद्यालय की बाकी कक्षाओं को संपन्न करके सोनल के घर चला गया उन्हें नृत्य सिखाने। तकरीबन 8 मैं वहां पहुंचा और 10 मैं वहां से प्रस्थान कर गया। 8 से 10, 2 घंटे। अक्सर डांस क्लास जो होता है, जितना सुना है मैंने, 1 घंटे का होता है, ये 2 घंटे, मतलब डबल क्लास। कहीं इस कारण से सोनल जी के पैरों के घुंघरू तो नहीं टूटे? नहीं श्रीमान, नृत्य का क्लास तो सिर्फ 1 घंटे का ही था। क्लास 1 घंटे का था, तो बाकी का समय दूसरा घंटा क्या कर रहे थे? वो उसमें हमारी थोड़ी सी बहस हुई थी। बहस हुई थी आपकी मिसेस सोनल सलगांवकर से? किस बात पर मिस्टर छज्जू महाराज? वो मैं सोनल को समझा रहा था कि वो जो अपने पति बीरेन के साथ कर रही है वो ठीक नहीं कर रही है। ऐसी? लेकिन पति पत्नी के बीच की बात तो बहुत निजी होती है, आपको इस बारे में कैसे पता? वो उसी शाम को मुझे एक गुमनाम पत्र आया था, सब कुछ उसी में लिखा था, और ये है वो पत्र। आपकी नचनिया शिष्य सोनल एक साथ 2 मर्दों को नचा रही है, बीरेन और वेदांत। उसे रोकिए, वरना मुझे रोकना मुश्किल हो जाएगा। इस पत्र का क्या मतलब होता है? वो अपने पति वीरेन के दोस्त वेदांत के साथ गैर वैवाहिक संबंध बनाकर अपने पति बीरेन को धोखा दे रही थी। ऑर्डर ऑर्डर। ये सब झूठ है, मेरे और सोनल के बीच में ऐसा कुछ भी नहीं था। बीरेन यार, तू मेरे भाई जैसा है, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, ट्रस्ट मी।
पुलिस ने आपके ऑफिस की छानबीन की और उन्हें आपके डेस्क के ड्रॉअर में से ये पत्र, प्रेम पत्र बरामद हुआ। माय लव, मिस यू ऑलवेज, आई वांट टू बी विथ यू ऑलवेज, वगैरह वगैरह प्यार की बातें और आखिर में सिग्नेचर, लव यू वेरी वेरी मच सोनल। जरा अदालत को समझाइए कि इस प्रेम पत्र का अर्थ क्या होता है। हाँ, ये राइटिंग उसी की है, लेकिन मैं नहीं जानता ये मेरे डेस्क पे कैसे आया। आई डोंट नो। मैंने, तू मेरा दोस्त हो कि ऑर्डर ऑर्डर मिस्टर सलगांवकर, प्लीज कंट्रोल योरसेल्फ। योर ऑनर, मैं देख रहा हूं कि मिसेस वेदांत अनन्या कब से बड़ी घूर घूर के अपने पति को देख रही है। मैं उन्हें कटघरे में बुलाकर पूछना चाहता हूं कि क्या उन्हें इस बात की पहले से भनक थी या नहीं। आइए अनन्या जी। अनन्या जी, जरा अदालत को बताइए कि क्या आपको इस बात का अंदेशा था कुछ भी कि आपके पति का ये अफेयर चल रहा है मिसेस सोनल सलगांवकर के साथ। जी, कैसे पता चला आपको? जी, उस दिन सुबह मुझे वेदांत के कोट की जेब से सोनल के कान की बाली मिली थी। जबकि मेरे पूछने पर वेदांत ने मुझसे कहा था कि वो उसको नहीं मिला था। अनन्या जी, क्या यही बाली? जी, ये वही बाली है। मैं सोनल के साथ ही थी जब उसने ये बाली खरीदी थी। ये वही बाली है। तो मैं ये सोच रहा हूँ अनन्या जी कि ये बाली आपके पति की कोट की जेब में से मिसेस सोनल सलगांवकर के घर कैसे पहुंच गई? आप गई थी क्या उनके घर, सोनल जी के घर? नहीं, मैं उस दिन सोनल को बिल्कुल नहीं मिली थी। अनन्या जी, एक बार फिर से पूछता हूँ आपसे, क्या आप सोनल जी के घर गई थी? नहीं, मैं उस दिन सोनल को बिल्कुल नहीं मिली थी। झूठ बोल रही हैं आप। आप इस बाली को सबूत के तौर पर लेकर गई थी इस बात का खुलासा करने कि आपके पति और उसके बीच में कुछ चल रहा है या नहीं। बोलिए, आप गई थी या नहीं? हाँ, मैं सोनल से मिलने गई थी उस दिन। ऑर्डर ऑर्डर, उससे जवाब मांगने कि आखिर क्यों, लेकिन उसने साफ इनकार कर दिया। घंटों तक हमारी बहस हुई, लेकिन फिर मुझे वहां से जाना पड़ा क्योंकि उसके कथक गुरुजी आने वाले थे। मैंने सोनल को नहीं मारा है, मैंने सोनल को नहीं मारा है। हाँ अनन्या जी, ऑब्वियसली। थैंक यू, दैट विल बी ऑल। बैठिए आप। योर ऑनर, जितना हम इस केस की गहराई में जा रहे हैं, मुझे उतना ही यकीन हो रहा है कि मिस ऊर्जा सेठ का इस कत्ल से कोई लेना देना नहीं। इस कत्ल की वजह बेवफाई है। इट्स ए क्राइम ऑफ पैशन। और शायद इस बात पर थोड़ी और रोशनी डाल सके सलगांवकर के घर का नौकर सुरेश। सुरेश, तुम मिस्टर एंड मिसेस सलगांवकर के घर पे कितने साल से नौकरी कर रहे हो? 3 सालों से। 3 सालों से। तो ये बताओ अदालत को कि मिस्टर और मिसेस सलगांवकर के बीच रिश्ता कैसा था? फर्स्ट क्लास था। साहब मैडम को फूल, चॉकलेट, गिफ्ट विफ्ट सब देते थे। लेकिन साहब के हमेशा बिजी होने से सोनल मैडम कभी कभी उनसे झगड़ती थी। और वेदांत साहब और तुम्हारी मालकिन के बीच कभी तुम्हें लगा कि? नहीं, हमको ऐसा कभी नहीं लगा। सर, जो भी हो, हमारी मैडम बहुत अच्छी थी। और बीरेन सर, वो आपको कभी धोखा नहीं दे सकती थी। ये सब लोग झूठ बोल रहे हैं। जितना पूछा जाए बस उसी का जवाब दीजिए। ये बताइए कि कत्ल के दिन तुम घर पर नहीं थे, कहाँ गए थे? 2 दिनों के लिए मैं
अपने गांव रत्नागिरी गया था। मेरी माँ बीमार थी उसके पास। Oh, that's not good news. क्या बीमारी हो गई थी आपकी माता जी को? गांव का वैद्य कह रहा था कि उन्हें चेचक था। चेचक? चेचक? Your Honor, KD इस केस में वही कर रहे हैं जो लोग एक जिद्दी रोते हुए बच्चे को चुप कराने के लिए करते हैं, उसका ध्यान बटाने के लिए इधर उधर की कहानियां सुनाना। पर वो भूल रहे हैं कि कहानी चाहे जो भी हो, उसका अंजाम बस एक है कि ऊर्जा सेठ उस घर में अकेले पाई गई मर्डर वेपन के साथ। मैं कह रही हूँ मुझे सोनल की आत्मा ने वहाँ बुलाया। रियली? क्या आप सचमुच आत्माओं से संपर्क कर सकती हैं? साबित कर सकती हूँ मैं। ठीक है, आप मेरी दादी अलोका फडणीस की आत्मा को यहाँ बुलाकर दिखाइए। बुला सकती हूँ। लेकिन उसके लिए मुझे एक कैंडल की आवश्यकता पड़ेगी। Your Honor, I object. ये अदालत है कि... इजाजत। Thank you, Your Honor. आलोका, आलोका, तुम नहीं, आलोका फडणीस, आलोका फडणीस, तुम आ, आ, आलोका फडणीस हमारे बीच में है। वो उस कुर्सी पर। रियली? क्या कहती है मेरी दादी तुमसे? वो कहती है कि वो तुमसे बहुत प्यार करती हैं और करती रहेंगी, तुम्हें हमेशा मिस करती रहेंगी। वो मुझे बता रही है कि वो कहानी जो बचपन में वो तुम्हें सुनाती थी उसे वो हमेशा याद रखेंगी, जैसे तुम याद रखती हो। कौन सी कहानी? राजा रानी वाली कहानी। तुम्हें कैसे पता? दादी बता रही है तुम्हारी। वो ये भी कह रही है कि वो बहुत शर्मिंदा है। किस लिए? उन्होंने तुम्हारी माँ के साथ जो, मतलब अपनी बहू के साथ जो बुरा बर्ताव किया है उसके लिए वो शर्मिंदा है। She's saying sorry. वो माफी मांग रही है माया। क्या तुम उन्हें माफ कर रही हो? Yes. Yes, I do. I don't forgive you. क्योंकि मेरी दादी आलोका फडणीस जिंदा। Order, order. राजा रानी और सास बहू की कहानियां तो घर घर में होती हैं। Nice try, ऊर्जा सेठ. And with this, I prove my point, Your Honor, कि ऊर्जा सेठ एक फ्रॉड है, एक ढोंगी है। ना आत्मा देख सकती हैं, ना अतीत और ना ही भविष्य। मानती हूँ कि मुझे ये सब नहीं आता है। पर मैं क्या करूं अगर सब लोग विश्वास करते हैं तो? आपके करियर ग्राफ से हमें कुछ लेना देना नहीं। आप बस ये बताइए कि आप सोनल के घर पर क्यों गई थी। मैंने कहा ना कि मैं वहाँ गई नहीं थी, मुझे वहाँ लेके जाया गया था। किसी ने मुझे फूल भेजे थे जिसमें बेहोशी की दवा मिली थी।
मैं बेहोश हो गई और उसी बेहोशी की हालत में मुझे वहाँ ले जाया गया और वहाँ पर मैंने सोनल को नहीं मारा। I swear, I did not kill her। मुझे वहाँ कोई लेकर गया था। ऊर्जा जी, I'm sure अदालत आपसे ये जानना चाहेगी कि आपने इस केस के शुरुआत में ऐसा क्यों नहीं कहा, झूठ क्यों कहा कि मिसेस सोनल सलगांवकर की आत्मा आपको वहाँ लेकर गई थी। मुझे लगा था कि अगर मैं सच कहूँगी तो मेरी बात पर कोई विश्वास नहीं करेगा, इसलिए मैंने अपनी कला की आड़ ली। मुझे लगा था कि अगर मैं अदालत में कहूंगी कि सोनल की आत्मा मुझे वहां लेकर गई थी तो पूरे शहर में, इंडस्ट्री में, मीडिया में मेरी टैलेंट की चर्चा हो जाएगी। आपने ये नहीं सोचा कि फायदा उठाने के लिए आपको पहले इस केस से बरी होना पड़ेगा? उस बात का तो मुझे पूरा यकीन था केडी, क्योंकि केडी पाठक ने आज तक किसी भी बेकसूर को सजा नहीं होने दी है। मुझे यकीन था कि तुम मुझे बचा लोगे, लेकिन मिसेट आपके इसी यकीन ने अब मेरे यकीन को। योर ऑनर, कहते हैं कि डायमंड्स आर अ वुमन्स बेस्ट फ्रेंड, और अगर करोड़ों के हीरों का हार हो तो कई औरतें इसके लिए कुछ भी कर सकती हैं, अपने क्लाइंट की जान तक ले सकती हैं। ऑर्डर, ऑर्डर। मिस ऊर्जा सेठ एक ढोंगी ही नहीं, एक चोर ही नहीं, बल्कि एक कातिल भी हैं, और उनको इसकी कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। मैंने सोनल को नहीं मारा। मैं मानती हूँ कि मैंने हार चुराया था। यस, मैंने हार चुराया था। वो हार मैं वापस कर दूंगी, बट मैंने नहीं मारा उसे। I did not kill her. Please believe me, मैंने नहीं मारा। क्या देख रहे हो केडी? पुलिस ने इस घर का कोना कोना छान मारा है, कोई सबूत नहीं मिलेगा। मैं सबूत नहीं, सुराग ढूंढ रहा हूं दवे। सबूत और सुराग तो एक ही चीज है। फर्क होता है दवे। सबूत वो होता है जो तू इकट्ठा करता है, सुराग वो होता है जो मैं ढूंढ रहा हूं। जैसे कि ये डाइट चार्ट। डाइट चार्ट है कि अब इसे पढ़कर केस सॉल्व करोगे? तुम मेरा टाइम वेस्ट कर रहे हो दवे। पानी पिएगा? ड्यूटी पे नहीं पीता। अरे पानी है यार, शराब थोड़ी है। अच्छा ये बता, तेरे लॉन्ड्री वाले तुझे वर्दी पहनाकर फिर लॉन्ड्री करते हैं क्या? ब्रावो, अंडे वाला जो मैंने सवाल पूछा था तुमसे कि एक आदमी रोज अंडे खाता है लेकिन ना मुर्गी है उसके पास, ना अंडे खरीदने के पैसे, ना उसे अंडे गिफ्ट में देते, जवाब मिला? टाइम नहीं मिला केडी। सोच के बताना है यार। मुर्गी, अंडा। इंटरेस्टिंग। बेडरूम किस तरफ है? ये क्या देख रहे हो केडी? कुर्ता है दवे, इस्त्री किया हुआ। तुम बताओ वो ऊर्जा सेठ की गाड़ी कहाँ है? हाँ तो सुरेश, ये बताओ कि सलगांवकर परिवार में मिसेस सोनल सलगांवकर खाना बनाती थी या तुम? सोनल मैडम जी खुद बनाती थी। 7 बजे उठकर वो दिन भर का खाना बना देती थी, क्योंकि 10 बजे उन्हें गुरुजी के डांस स्कूल पहुंचना पड़ता था।
अच्छा, और सुना है कि मिसेस सलगांवकर शुद्ध शाकाहारी थी, क्या ये सही है? जी, पक्की शाकाहारी थी। और तुम? मैं भी साफ। राइट, तुम्हारा कद कितना है सुरेश? नापे तो नहीं साहब, 5 फुट 7 इंच होगी। 5 फुट 7 इंच होगी, राइट। योर ऑनर, मेरे अगले गवाह स्वर्गवासी सोनल सलगांवकर के कथक गुरु चज्जू महाराज। चज्जू महाराज जी, ऊर्जा जी का ये कहना है कि उस दिन किसी ने इनको फूल भेजे थे जिसपे बेहोशी की दवा छिड़की हुई थी। उसके साथ में ये कार्ड भी था, ऊर्जा आपके लिए सुप्रीम, आपका गुमनाम प्रशंसक। शुद्ध हिंदी में ये कार्ड। बीरेन जी भी कह रहे थे कि उनके फोन पर जो SMS आया था वो भी शुद्ध हिंदी में था, और इस पूरे केस में उच्च कोटि की हिंदी बोलने का श्रेय आपको जाता है। और आपकी भी श्रीमान। परंतु महाशय, ऊर्जा जी को जब मैं जानता ही नहीं, तुम्हें पुष्प भेंट करने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। हाँ, ये बात तो है। वैसे गुरुजी, आप शाकाहारी हैं या मांसाहारी? ईश्वर ईश्वर, कैसी बात कर रहे हैं आप? मैं शुद्ध शाकाहारी व्यक्ति हूँ श्रीमान। नहीं, पूछ रहा था। वैसे भी मांस खाना अच्छी आदत नहीं होती। कद कितना है आपका? तकरीबन 5 फीट 7 इंच। ये बताइए कि आप मांसाहारी हैं या शाकाहारी? जी, मेरी वाइफ नॉन वेजिटेरियन है और मैं प्योर वेज। और आपका कद कितना है? जी, 5 फुट 8 इंच। केडी, तुम्हारे दोनों सवालों का इस केस से क्या लेना देना है? और तो और, इन दोनों सवालों का आपस में भी क्या कनेक्शन है? योर ऑनर, इन सवालों का आपस में और इस केस से बहुत ही गहरा ताल्लुक है। पुलिस की निगरानी में जब मैंने मिसेस सोनल सलगांवकर के घर का सर्च किया तो उनके फ्रिज के निचले हिस्से में मुझे रॉ चिकन मिला, यानी कि चिकन का कच्चा मांस। योर ऑनर, घर में जब भी चिकन या और कोई मांस रखा जाता है तो फ्रिज के ऊपर वाले हिस्से में, यानी कि फ्रीजर में रखा जाता है ताकि वो ज्यादा दिनों तक फ्रेश रहे। और जब वो निचले वाले हिस्से में रखा जाता है वो सिर्फ तब जब अगले दिन वो पकने वाला हो, ताकि उसमें जमी बर्फ पिघल जाए। हाँ, लेकिन स्टिल आई डोंट अंडरस्टैंड, इसका केस से क्या ताल्लुक है? जाहिर सी बात है योर ऑनर, कि चिकन नीचे वाली शेल्फ में रखा गया था। इसका मतलब कि स्वर्गवासी सोनल सलगांवकर उसे अगले दिन अपने पति मिस्टर बीरेन सलगांवकर के लिए पकाने वाली थी। लेकिन योर ऑनर, सोचने वाली बात यह है कि मिस्टर बीरेन सलगांवकर तो अपने बयान के मुताबिक 2 दिन बाद लौटने वाले थे, तो ये चिकन किसके लिए बनाया जा रहा था? तुम्हें कैसे पता वो चिकन बीरेन के लिए ही बनने वाला था? एक्सेलेंट क्वेश्चन प्रोसिक्यूटर साहिबा। योर ऑनर, ये एक डाइट चार्ट है जिस पर मिस्टर बीरेन सलगांवकर का नाम है, जो मुझे मिसेस सलगांवकर के फ्रिज के ऊपर चिपका हुआ मिला। इसमें साफ साफ लिखा है डायटिशियन ने, फॉर लंच 1 बोल रोस्टेड चिकन एवरी डे। वो चिकन मिस्टर बीरेन सलगांवकर के लिए ही बनाया जा रहा। आप वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन? मैं मतलब शाकाहारी या मांसाहारी? नॉन वेजिटेरियन। ऑब्जेक्शन योर ऑनर, इसका इस केस से कोई ताल्लुक नहीं। ताल्लुक नहीं होता तो मैं ये सवाल पूछता ही नहीं योर ऑनर। सस्टेन्ड। और हाइट कितनी है आपकी? कद? जी, 6 फुट 1 इंच। थैंक यू। हाँ, मैं एक्चुअली बताना भूल गया कि मैंने ही सोनल को फोन किया था कि मैं अगली सुबह घर लौटने वाला हूँ, और वो ये चिकन मेरे लंच के लिए बना रही होगी। झूठ बोल रहे हैं आप मिस्टर सलगांवकर, क्योंकि आप दूसरे दिन सवेरे नहीं उसी रात को आने वाले थे। क्या मतलब आपका? आपके पास कोई सबूत है क्या? ऑफ कोर्स मिस्टर सलगांवकर, आपका कुर्ता पजामा जो आपकी पत्नी ने बहुत ही प्यार से आपके लिए इस्त्री करके रखे थे, इसका मतलब मिस्टर सलगांवकर आप उसी रात को घर जाने वाले थे, लेकिन घर जाने से पहले आप ऊर्जा के घर गए थे या नहीं? व्हाट नॉनसेंस, मैं ऊर्जा के घर बिल्कुल नहीं गया। आप ऊर्जा जी के घर गए थे। इनके घर जाकर सबसे पहले फूल सूंघा कर इन्हें बेहोश किया, इनकी गन चुराई,
उसके बाद बेहोशी की हालत में इन्हें आपने इन्हीं की गाड़ी की बैक सीट में डाला। अपने सर पर विग लगाकर आप गाड़ी चलाते हुए अपनी घर की तरफ निकले। आपको पूरी जानकारी थी कि आपके एरिया में सिक्योरिटी कैमरास लगे हैं और रात को योर ऑनर सिक्योरिटी कैमरास में लिए हुए फोटो क्लियर नहीं होते, क्योंकि गाड़ी इनकी थी, शक भी इन पे गया। ऑर्डर ऑर्डर, क्वाइट इन द कोर्ट प्लीज। आप कुछ भी बोलते जा रहे हैं, आपके पास कोई सबूत है कि मैं ही ऊर्जा को उसकी गाड़ी में अपने घर तक लेके गया था? ऑफ कोर्स मिस्टर सलगांवकर, सच साबित करना ही मेरा काम है। सुनिए, आपने पहले ऊर्जा जी को इन्हीं की गाड़ी के बैक सीट में डाला। योर ऑनर, ऊर्जा जी के बाल मुझे बैक सीट में मिले, इट्स अ परफेक्ट मैच बाय फॉरेंसिक। उसके बाद मिस्टर सलगांवकर आप ड्राइविंग सीट पर बैठे। तब जो कि आपकी हाइट 6 फीट 1 इंच है, आपने सीट को पूरी तरह से पीछे ढकेला अपने लिए जगह बनाने के लिए। रियर व्यू मिरर्स भी आपने उसी हिसाब से एडजस्ट किए। छोटी सी गलती हो गई आपसे मिस्टर सलगांवकर की, उतरते वक्त जल्दबाजी में आप सीट और रियर व्यू मिरर रीएडजस्ट यानी कि अपनी जगह पर वापस लाना भूल गए। हाँ, मुझे शंका थी मन में पहले कि हो सकता है कि कातिल कोई और हो, लेकिन आपका डाइट चार्ट जब देखा और आपकी हाइट जब देखी तो मुझे पूरा विश्वास हो गया कि आप ही हैं। योर ऑनर, मैं बिल्कुल बेकसूर हूं, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। डू नॉट जोक विद द कोर्ट। योर ऑनर, घर पहुंचने के बाद ये गाड़ी में से उतरे, इन्होंने अपना हुलिया साफ किया और घर में प्रवेश किया। प्रवेश करते ही इनकी पत्नी खुश हुई, इनके लिए ग्रीन टी बनाया, चिकन निकालकर निचले वाले शेल्फ पर रखा दूसरे दिन के लंच के लिए, बड़े प्यार से इनके कुर्ते पजामे पर इस्त्री किया। लेकिन इनका इरादा सोने का नहीं, अपनी पत्नी को कत्ल करने का था, जो इन्होंने किया। उसके बाद बेहोश ऊर्जा को अपनी गाड़ी में से लाए, इन्हें वहां लिटाया, इनका हथियार वहां फेंका, कप उठाकर इनके होठों पर लगाया। अपनी पत्नी के सेलफोन से इन्होंने अपने सेलफोन पर मैसेज भेजा शुद्ध हिंदी में, योर ऑनर, ताकि शक इन पे नहीं, मिसेस सलगांवकर के कथक गुरु छज्जू महाराज पर जाए। उसके बाद ये बाहर जाकर छिप गए, ऊर्जा जी के होश में आने का इंतजार किया ताकि ये इन्हें रंगे हाथों पकड़ सके। बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैंने कहा ना, मैं बेकसूर हूं योर ऑनर, मैं बिल्कुल बेकसूर हूं। योर ऑनर, आई एम सो सॉरी, मैं माफी चाहता हूं। इनकी एक खास आदत के बारे में मैं अदालत को बताना भूल गया। मिस्टर सलगांवकर, कमाल करते हैं आप। आपने ऊर्जा जी को वही फूल भेज दिए जो आप अपनी पत्नी को भेजा करते थे। What? ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, बिल्कुल गलत है ये बात। वही फूल भेजते थे आप मिस्टर सलगांवकर अपनी पत्नी को, सुरेश ने हमें बताया है। सुरेश बिल्कुल झूठ बोल रहा है। मैं अपनी बीवी को गुलाब के फूल दिया करता था, रजनीगंधा के नहीं। मिस्टर बीरेन सलगांवकर, आपको कैसे पता कि ऊर्जा को जो फूल मिले वो गुलाब के नहीं रजनीगंधा के थे? कोई रास्ता नहीं है और मिस्टर सलगांवकर, कन्फेस। मैं सोनल को छोड़कर ये एड फिल्म की मॉडल नेहा से शादी करना चाहता था, लेकिन ऐसा करने से सोनल की करोड़ों की जायदाद मेरे हाथ से निकल जाती, इसीलिए मैंने उसे मारने का प्लान बनाया। और क्योंकि ऊर्जा और सोनल की पहले से ही दुश्मनी थी, इसलिए मैंने ऊर्जा को फंसा दिया।
थैंक यू मिस्टर सलगांवकर। जस्ट आउट ऑफ क्यूरियोसिटी मैं जानना चाहूंगा कि अपनी पत्नी और वेदांत के बीच ये जो नकली अफेयर था, ये आपने कैसे क्रिएट किया? जी, वो लेटर एक्चुअली सोनल ने मुझे लिखा था और मैंने उसे वेदांत के ऑफिस में रख दिया था, और वो इयररिंग वो भी मैंने वेदांत के कोर्ट में रखा था। जो छज्जू महाराज को लेटर मिला था वो भी मैंने लिखा था। मैंने बहुत सोच समझ के प्लानिंग की थी, लेकिन सब खराब हो गया। मैंने प्लानिंग की थी कि अगर एक इंसान बच जाए तो दूसरा फंस जाए, दूसरा बच जाए तो तीसरा फंस जाए, लेकिन सो सिंपल योर ऑनर द डिफेंस रेस्ट्स। मिस्टर बीरेन सलगांवकर के इकबाले जुर्म ने यह साबित कर दिया है कि उन्होंने ही अपनी पत्नी सोनल सलगांवकर का बेरहमी से कत्ल किया है, इसलिए यह अदालत मिस्टर बीरेन सलगांवकर को हिरासत में लेकर मिस ऊर्जा सेठ को कत्ल के इल्जाम से बाइज्जत बरी करती है। लेकिन आईपीसी सेक्शन 420 के तहत पुलिस को ऊर्जा सेठ पर धोखाधड़ी की कार्रवाई करने का हुक्म भी देती है। द केस इज क्लोज्ड। जाते तो वो अंडे का फंडा तो बताते जाओ। कोई ना, मुर्गी नहीं थी, पैसे नहीं थे, अंडे गिफ्ट में नहीं मिलते थे, क्या होगा? बतख के अंडे खाता था, बतख थी उसके पास। अबे सोच के आगे सोचा कर यार, समझा? अभी अंडा तो अंडा होता है, एन एग इज एन एग, एम आई राइट?